तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट पावरफुल गेमिंग डिवाइस अंडर 20,000। जहाँ पे आपको 20,000 के अंदर 90 FPS गेम प्ले के ऑप्शन मिल जाएगा, 1.4 मिलियन एंथ्रोस स्कोर वाला चिपसेट मिलेगा, उसके साथ साथ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगा और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले, वो भी सिर्फ 20,000 के अंदर। तो आपको अगर चाहिए 20,000 में बेस्ट 5G गेमिंग डिवाइस तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इसलिए जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है पोको की तरफ से, पोको X6 Pro 5G, जो काफी शानदार सा एक परफॉर्मेंस डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक और इको लेदर दोनों ऑप्शन ही मिल जाएगा, जहाँ पे डिवाइस की वेट 186 और 190 ग्राम है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड डायनामिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कैमरा मॉड्यूल है वो स्क्वायर शेप में है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, काफी तगड़ी है। यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.7 AMOLED means in a smartphone, providing mesmerizing lighting effect and outlandish RGB color combination. To define what it means to be GT, the avant-garde mecha texture on the back imbibes the true soul of GT and concentrates on its key pillars, metal, power, and speed. Together, cutting-edge technology and unconventional design create true devices for the future. It's time to outplay the rest. यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1220x2712 पिक्सल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, ये दोस्तों एक परफॉर्मेंस ओरिएंट डिवाइस है, तो परफॉर्मेंस इसकी काफी तगड़ी है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात इसकी जो एंथ्रोस स्कोर है वो 1.4 मिलियन है। हाँ दोस्तों, ये काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। यहाँ पे आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हो काफी हाई FPS और काफी हाई सेटिंग पे। सिर्फ दोस्तों गेमिंग ही नहीं, गेमिंग के साथ साथ इसकी जो कैमरा सेटअप है ना वो भी काफी तगड़ी है। तो यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिलने वाला है। और दोस्तों, वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलेगा, जिससे भी आप 1080 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 67 वाट फास्ट चार्जिंग, जहाँ पे 45 मिनट पे आपके डिवाइस को 100% चार्ज कर देगा। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके सभी मेन फीचर। अब बात कर लेते हैं अदर फीचर के बारे में। तो यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलेगा, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14, जहाँ पे आपको 3 मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड मिलेगा। बात किया जाए इस डिवाइस की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो बेस ब्रांड है 8GB 128GB, उसके करंट टाइम पे फ्लिपकार्ट पे प्राइस 20,000 है। मैक्सिमम टाइम सेल वगैरह रहता है तो वहाँ पे 20,000 के अंदर इसकी प्राइस रहता है। तो आप अगर लेना चाहते हो इस प्राइस पॉइंट पे जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों, डिवाइस होने वाले इन्फिनिक्स की GT सीरीज का इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G, जो काफी शानदार सा एक गेमिंग डिवाइस। सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बैक पैनल कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होने वाला है, जहाँ पे आपको एक ऑरा लाइट और एक RGB लाइट की सपोर्ट दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल के पास आपको एक ऑरा लाइट मिलता है जो काफी शानदार है। उसके साथ साथ बैक पैनल पे आपको सी शेप पे एक RGB लाइट मिलता है, जिसके कलर को आप कस्टमाइज कर सकते हो मल्टीपल कलर पे, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बैक पैनल कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होने वाला है, तो एक कुछ हद तक नथिंग फोन जैसा देखने को मिलेगा और एकदम गेमिंग फील देने वाला है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर मिलेगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात, इस डिवाइस पे आपको 144 हर्ट्ज के
प्रीसेट मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए ये डिस्प्ले एकदम एक नंबर की होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1300 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो इसकी जो बेजल है वो काफी थिन है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1080x2436 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाला है। तो डिस्प्ले कंटेंट कंज्यूम और गेमिंग के लिए एक नंबर होने वाले काफी अच्छे डिस्प्ले है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जहाँ पे आपको वॉइस की सपोर्ट दिया गया है। मेन कैमरा से आप 4K 30 या फिर 60 FPS तक भी वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी डिसेंट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वह मैं बात करें सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छी बात है, फोन पे भी आपको फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस इस प्राइस पॉइंट पर वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों एक काफी पावरफुल सा प्रोसेसर है, इसकी जो एंटीटू स्कोर वो 9 लाख के ऊपर रहता है। आप समझ सकते हो वीवो की जो वीवो V30 Pro डिवाइस है वहाँ पे आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, उस डिवाइस की प्राइस है 42,000। तो वही वाला प्रोसेसर आपको इस डिवाइस पे मिलने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस पे आपको डिफॉल्ट पे 120 FPS मिलने वाले हैं। मतलब दोस्तों आप BGMI या फिर फ्री फायर 120 FPS तक खेल सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। तो गेमिंग के लिए तो एकदम मस्त होने वाला है। बात किया जाए रैम की, तो यहाँ पे आपको बेस बैंड पे 8GB रैम 256GB रोम मिलने वाले है, जहाँ पे जो रैम की टाइप है UFS 3.1 मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विद 45W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस की सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है JBL ट्यून डुअल स्पीकर, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, NFC मिल जाएगा। और दोस्तों ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 और XOS 14 पर, और यहाँ पे आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो इसकी सभी फीचर, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस बैंड 8GB 256GB, उसकी इंडियन प्राइस होने वाला है 21,999, मतलब 22,000। और डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस आपको 20,000 के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये डिवाइस है रियलमी की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस रियलमी 12 Pro 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे काफी प्रीमियम सा आपको लुक एंड डिजाइन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, वीगन लेदर वाला बैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये जो डिजाइन है ना, आपको वॉच फिनिश पे आने वाला है। हाँ दोस्तों, रोलेक्स वॉच के फिनिश पे आपको कैमरा मॉड्यूल मिलने वाला है। डिवाइस का वेट होने वाला है 190 ग्राम, तो ये काफी हल्का होने वाला है। वह भी बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस एमुलेट कार्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिल जाएगा इसकी डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले काफी तगड़ी होने वाले। वह भी बात करें रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो डिस्प्ले को काफी स्मूथ कर देगा। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 950 नीट पीक ब्राइटनेस। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों सिर्फ डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ इसकी जो कैमरा है वो भी काफी तगड़े। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले, जहाँ पे आपको मिलने वाले सोनी IMX882 सेंसर विद OIS। तो इसकी जो फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोनी की सेंसर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है, जहाँ पे भी आपको OIS की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो दो कैमरा काफी तगड़ी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। और दोस्तों इस मोबाइल की कैमरा से आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों 1080 पे आप 30, 60 या फिर 120 FPS पे भी वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस डिवाइस को एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस भी कह सकते हो, यहाँ पे आपको काफी अच्छा कैमरा
मिलने वाला। बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो ऐप आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छा है। वहीं पे इस डिवाइस पे आपको रैम रोम पे दो वेरिएंट मिलेगा, 8GB+128GB, 8GB+256GB। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 67W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 1-50% चार्ज सिर्फ 19 मिनट पे हो जाएगा। बात किया जाए इस डिवाइस के अदर फीचर की तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा और दोस्तों स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलने वाले IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट की सपोर्ट भी मिलेगा और दोस्तों ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 और रियलमी UI 5.0 पर। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है लावा की तरफ से, लावा अग्नि 3 5G जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसकी जो डिस्प्ले है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो फ्रंट पे आपको 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 3D कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है, जहाँ पे 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा और ये HDR को सपोर्ट करेगा। और दोस्तों सिर्फ फ्रंट पे नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियर पे भी एक डिस्प्ले मिलेगा कैमरा मॉडल के पास, जिसकी जो साइज है वो है 1.74 और ये भी एक एमोलेड डिस्प्ले है। 1.74 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको बैक पे भी मिलेगा जो काफी यूजफुल है, जैसे कि आप जो प्राइमरी कैमरा है उससे ही आप सेल्फी खींच सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, तो जो फोटो और वीडियो की क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन रिसीव, कॉल रिसीव और कुछ एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, स्टेप एंड कैलोरी ट्रैकर, वॉइस रिकॉर्डर, टाइमर, स्टॉपवॉच एंड वेदर और भी काफी छोटे मोटे काम को आप इस डिस्प्ले पे कर सकते हो। तो डिस्प्ले काफी यूजफुल है और इंडियन मार्केट पे अभी एक यही डिवाइस है जहाँ आपको डुअल डिस्प्ले की सपोर्ट देखने को मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस डिवाइस की कैमरा के बारे में। तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जहाँ पे आपको 3x डिजिटल जूम मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़ी है, वाइड एंगल मिलता है, टेलीफोटो दोनों ही आपको मिल जाते हैं। जहाँ पे आपको जो मेन कैमरा वहाँ पे आपको सोनी का सेंसर मिलता है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जहाँ पे भी आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो जो कैमरा की सेटअप है वो काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, आप अगर कैमरा सेंट्रिक डिवाइस के लिए भी इसे चूज करते हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X चिपसेट जो एक 5G चिपसेट है और जिसके एंथ्रोस को 7 लाख से भी ऊपर है, तो आप गेम प्ले भी अच्छी तरीके से कर सकते हो इस डिवाइस पे, मल्टीटास्किंग में भी ये डिवाइस काफी तगड़ी है। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 66W फास्ट चार्जिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि 1 ईयर के अंदर आपकी डिवाइस में कोई भी दिक्कत आता है तो फ्री रिप्लेसमेंट मिल जाएगा टू द डोर स्टेप। और दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो जो बेस ब्रांड है 8GB 128GB उसके करंट टाइम पे प्राइस 21,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस बोर्ड अंडर 20,000 आ जाता है। पर एक बात है कि यहाँ पे आपको जो चार्जर है वो नहीं मिलेगा, आपको अगर चार्जर चाहिए तो एक हायर ब्रांड है 8GB 128GB जिसकी करंट टाइम पे प्राइस 23,000 है, वहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएगा। और तीसरी और एक ब्रांड है 8GB 256GB जिसकी करंट टाइम पे प्राइस 25,000 है। प्राइस होने वाला है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 70 टर्बो 5G जो काफी शानदार सा एक गेमिंग डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो ये डिवाइस 7.6mm थिकनेस के साथ आने वाला है, 185 ग्राम वेट है, डिवाइस काफी हल्का है और मोटर स्पोर्ट डिजाइन के साथ आएगा, जहाँ पे जो कलर वेरियंट है ना वो काफी यूनिक और काफी गेमिंग सा फील देता है। रियर पे आपको स्क्वायर शेप पे कैमरा मॉडल मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस काफी प्रीमियम और गेमिंग सा लुक देता है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले, जहाँ पे 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा और ये HDR को सपोर्ट करता है। 600 nit टाइप और 2000 nit पीक ब्राइटनेस के साथ ये डिवाइस आपको आउटडोर पे भी काफी सपोर्ट
करने वाला है। 88.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। जैसे कि ये एक गेमिंग डिवाइस है तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है और जिसकी एंटोटो स्कोर 750,000 है, जो इस डिवाइस को इस रेंज के सबसे पावरफुल एक गेमिंग डिवाइस बना देता है। तो डिवाइस काफी पावरफुल है, यहाँ पे आप फ्री फायर पबजी हाई सेटिंग पे खेल सकते हो और भी दूसरे गेम को। और उसके साथ साथ एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपको 6050mm का लिक्विड कूलिंग चेंबर मिल जाता है, तो डिवाइस की हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। आप अगर एक प्रॉपर गेमिंग के लिए डिवाइस लेना चाहते हो जाओ इसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जबकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा और एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा भी मिलने वाला है जिससे भी आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 45W फास्ट चार्जिंग जो 50% चार्ज को जस्ट 30 मिनट पे कर देगा। उसके साथ साथ एडिशनल फीचर पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, NFC आपको नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 होने वाला है, उसके साथ साथ 3.5mm जैक आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टेरियो स्पीकर भी मिलने वाला है। डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 रियलमी UI 5.0 पे। तो दोस्तों ये तो का इसके सभी फीचर, अब बात कर लेते इसकी प्राइस के बारे में। तो बेस ब्रांड की जो प्राइस है 6GB 128GB, उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे आपको 2,000 rupees का ऑफ हमेशा मिल जाता है कूपन कोड के द्वारा। तो इसकी जो बेस ब्रांड की प्राइस वो अंडर 15,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले।